नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीलर थेरेपिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। सो आज लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो पाइल में। ये रोज स्क्वायर्स की जो पिरामिड है उनके लिए फर्स्ट पाइल एंड सेकेंड पाइल इज ब्लैक टर्मोलाइन पिरामिड। जिनका जो अच्छा लगे इस मोमेंट पे इमीडिएट इंट्यूशन जो भी बोले कि यही मेरा पाइल है आपके लिए वो ही रहेगा आपका पर्सन की करंट फीलिंग। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं ऑलवेज सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, सर्विसेज में अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रियूनियन के लिए ट्विन फ्लेम हीलिंग एंड प्रॉपर ट्विन फ्लेम इनर वर्क कोचिंग क्लासेस चाहिए, अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस से रिलेटेड, आप वर्क से रिलेटेड, आपका एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी चीज़ को अगर आपको रिकवर करना है, आपका जो ब्लॉक एनर्जी है उसको क्लियर करना है, अगर आपको पर्सनल लाइफ रिग्रेशन करवाना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल एंड एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, ठीक है। सो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आपके नाम पे ही एनर्जाइज करके दिया जाएगा। इस पे कोई भी सर्विसेज चाहिए मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880 ये नंबर पे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा हम लोग उसके हिसाब से आगे जाएंगे। कोई क्रिटिकल प्रोसीजर नहीं है, वेरी इजीली होता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो सब वेट करने वाला, सब आप जानना चाहते हो कब है क्या है, वर्कशॉप, टैरो वर्कशॉप। आप लोगों का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट में ये टैरो मैं बेसिक वर्कशॉप लेके आई हूँ। ये बेसिक वर्कशॉप पे क्वेश्चन आता है पर्सनली, मैं वीडियो में डिटेल बता देती हूँ कि 78 कार्ड्स, जो 78 कार्ड्स होता है उसको डिटेल सिखाया जाएगा, कैसे, क्या है, क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कैसे इस मीनिंग को कैसे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो 78 कार्ड्स की डिटेल जानना, दैट इज द बेसिक वर्कशॉप। साथ ही साथ कुछ मेडिटेशन सिखाया जाएगा, थर्ड आई के ऊपर कैसे काम करेंगे करके एक अच्छा टैरो रीडर आप बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि टैरो कार्ड की मीनिंग तो यूट्यूब में मिलता है, कोई भी गूगल चेक कीजिए मिल जाएगा, मगर उसको कैसे आपके हाथ में पढ़ के वो सही उत्तर देगा, कैसे आपका इंट्यूशन उसके ऊपर काम करेगा, इसके लिए भी टिप्स एंड ऑल सिखाया जाएगा। डिटेल्स में तो एडवांस वर्कशॉप में बहुत कुछ सिखाया जाएगा प्रोफेशनली, बट इसमें भी आप काफी जानना जान पाएंगे कौन सा क्रिया, कौन सा मेडिटेशन है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। टू डेज का वर्कशॉप है, 25th 26th की है वर्कशॉप, एंड ये वर्कशॉप में इवनिंग में होगा क्योंकि सबका रिक्वेस्ट है, ऑफिस होता है या नॉन, तो डिटेल मैंने बता दिया। जूम में होगा, जूम मीटिंग में ये वर्कशॉप होंगे, ठीक है। ऑल क्लियरली बता दिया, कम्युनिकेट, अगर सीट बुक करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे वही नंबर 9087282880 ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी बुकिंग बहुत चल रहा है एंड सीट अभी भी बुकिंग हुई, ठीक है। चलिए, सो आज रीडिंग से पहले दो बातें, मैं थोड़ा सा एक आज कुछ लाइफ कोचिंग के बारे में बताने से पहले भी एक प्रैक्टिकल चीज के बारे में बता रही हूँ। ये टेंथ जो नवंबर है, धनतेरस आ रहा है 10th नवंबर से लेके 11th नवंबर मॉर्निंग 10:30 बजे तक, 10:24 शायद, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है, ये टाइम तक धनतेरस का टाइम है, ठीक है। 10 बजे 10 तारीख को 11 समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता दूंगी, मुझे इमीडिएट याद नहीं आ रहा है, एंड 11 को 10:24 शायद उसके ये टाइम में धनतेरस का टाइम है। इस टाइम में हम लोग बोलते हैं कि कुछ मेटल की चीज ले और कुछ गहना ले, बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छा से सुनिए, कुछ कुछ चीज होता है जो धनतेरस में खरीदना बहुत अच्छा होता है, ऑलवेज गोल्ड ही नहीं, सिल्वर का अगर आपका ग्लास हो जिसमें पानी पिया जाता है, सिल्वर की ग्लास इस टाइम में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप तवे का कोई भी
कोई भी तावे का बर्तन खरीदो, ये भी बहुत अच्छा एनर्जेटिकली काम करते हैं। आप अगर कोई भगवान की ड्रेस खरीदो, जैसे बाल गोपाल की हुआ, लक्ष्मी जी की हुआ, कुछ ड्रेस खरीदना भगवान की पूजा के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है आपके लिए। बार मतलब ये जो चीज मैं बता रही हूँ, झाड़ू खरीदना, ब्रूमस्टिक जिसको बोला जाता है, ये खरीदना, ये बहुत शुभ माना जाता है जब धनतेरस की टाइम में। अभी कौन सा टाइम में, ये जो ऑलमोस्ट 24 आवर्स और 23 आवर्स का जो धनतेरस की टाइम है, इसमें भी आपकी राशि वाइज एज पर योर राशि क्या क्या चीज आपके लिए सही रहेगा वो भी देखना पड़ता है, एंड कौन सा टाइम है ये अगर प्रॉपरली जानने की बात, आपका राशि क्या है एंड उस टाइम में आपको क्या, कौन सा टाइम में आपको खरीदना चाहिए, आपके लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, ये अगर आप प्रॉपरली जान सकते हैं, आपके लिए बहुत सारा चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट, बहुत सारा फाइनेंशियल बेटरमेंट यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके देख के बोलना पड़ता है एंड उसके हिसाब से अगर आप खरीद सकते हैं, आप लोग अगर ये जगह डिटेक्ट करके फिर जाइए, फिर खरीदिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कभी भी खरीद सकता है, मगर ये कुछ कुछ टाइम होता है जिस टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी से वक्त, एंड पहले ही बोल चुकी हूँ, ये रोज स्क्वायर्स पिरामिड जो है, ये रोज स्क्वायर्स का जो पिरामिड है, ब्यूटीफुल पिरामिड, ब्यूटीफुल, ये रोज स्क्वायर्स एंड ब्लैक टर्मोलाइन पिरामिड, अगर ये भी एक टिप्स है, अगर रखिए घर में नेगेटिविटी तो जाएगा ही, काफी फैमिली पर्सन के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर रिलेशनशिप बेटर होता है, हार्ट चक्र हील करता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत सारा आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है या नॉल, इस टाइम में अगर रोज स्क्वायर्स एंड ब्लैक टर्मोलाइन कहाँ पे रखेंगे, घर में घुसते हुए भी, घर में घुसते हुए भी आप अगर सामने से दिखे ऐसा कोई जगह में रखिए, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, या मतलब ज्यादा दूर में नहीं, हॉल में, लिविंग एरिया में रखिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब हम बोलेंगे ये बेडरूम में भी रखिए, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उससे पहले हम लोग सिंगिंग बोल से एक बार प्यूरिफाई हो जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने रोज स्क्वायर्स पिरामिड पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज का रीडिंग, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी सुबह, करंटली क्या सोच रहा है, क्या सिचुएशन में है। ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, मगर पॉइंट टू पॉइंट होगा। करंट फीलिंग में लोग बहुत दुनिया भर का सोच रहा है, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली अभी हीट ऑफ द मोमेंट जो एनर्जी है इसमें क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। क्या है करंट फीलिंग जो पाइल वन पसंद किए थे उनकी पर्सन की। फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल, फर्स्ट कार्ड डेविल कार्ड, सेकंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड एट ऑफ कप्स, फोर्थ Five of Wands, Nine of Swords, Three of Wands, Four of Wands, and Seven of Cups. Finally, one card for you at Knight of Cups. Wow. So. एक चीज तो मुझे बोलना पड़ेगा कार्ड देख के, मालूम है कार्ड देख के एक चीज तो मुझे बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये पर्सन अभी जो भी सिचुएशन में है प्यार करते हैं आपसे। पहलवान जिन लोग पसंद किए हैं इन लोगों के लिए हो सकता है अभी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बट लव है आपके लिए।
नो डाउट की प्यार करते हैं आपसे। इसमें बहुत लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, पाइल वन जिन लोगों ने पसंद किए हैं, बहुत लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ डील कर रहा है, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आप लोग रीडिंग ले रहे हो, देख रहे हो, बहुत लोग नॉट नेसेसरी सबको होना है, बट है एनर्जी। द डेविल कार्ड, एंजाइटी दिख रहा है इनके दिमाग में, दिल में काफी एंजाइटी वाला एनर्जी दिख रहा है। बहुत ज्यादा प्यास आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको छूने के लिए, आपके पास जाने के लिए, आपसे बहुत कुछ बताने के लिए, वो जब नहीं हो रहा है तब जाके एंजाइटी इशू क्रिएट हो रहा है आपके पर्सन के अंदर। ये प्रॉपरली अगर नहीं कर पा रहा है, या जिंदगी में ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट्स अप एंड डाउन, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने का क्वेश्चन है मगर नहीं दे पा रहे हैं, सिचुएशन अगर ऐसा है इस टाइम में, काफी एंजाइटी, होपलेसनेस, फाइट मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है, ये पर्सन का रात में नींद में बहुत प्रॉब्लम होता है, इनका थोड़ा सा मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर दिख रहा है, आपके पर्सन की स्लीपिंग डिसऑर्डर दिख रहा है, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। आप लोगों में बहुत लोग हैं डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बहुत लोग हैं पास पे रहते हुए भी शायद मिलना जुलना कम होता है, बहुत लोग हैं थोड़ा बहुत अभी अनबन चल रहा है, बहुत लोग हैं बहुत दिन बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके दिमाग में आप नहीं हो, आपके दिमाग में नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों ही जानते हैं, रिलेशनशिप तो है, कुछ दिन का अंतर हो, डिस्टेंस से हो, जो भी हो, ऐसा है बातचीत करते हैं, ऑन एंड ऑफ है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। बट ये पर्सन बातचीत करते हुए भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बातचीत तो करते हैं मगर हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ है आप लोगों में, अदरवाइज एंग्जाइटी इशू, नॉट फॉर यू, बहुत सारा चीज में इनकी एंग्जाइटी इशूज दिख रहा है, कंफ्यूशन, एंग्जाइटी इशूज, बहुत लोग है जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं से एडिक्टेड है, एडिक्शन वाला कार्ड दिख रहा है, इनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है मगर एनी हाउ अगर ये फ्यूचर चाहते हैं, फोर ऑफ कार्ड्स आपको ही चाहते हैं, सिचुएशन एट ऑफ कप्स की है, एक सैक्रिफाइसिंग मेंटालिटी दिख रहा है इनका सिचुएशन में, एंड सोच समझ के आने वाला एनर्जी दिख रहा है, इनकी एंग्जाइटी के कारण है कि वो सोच रहा है, ये इम्प्रूवमेंट इनकी लग रहा है कि जहां पे सिर्फ ही डिप्रेशन था, सिर्फ ही सैक्रिफाइस था, उस जगह से एक फाइट की क्वेश्चन आ रहा है। इंसान अगर सिर्फ सैक्रिफाइस में रहे, मन में कोई अगेंस्ट में बात ही ना रहे कि नहीं मुझे आगे जाना चाहिए, मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट है, तब तो उनका इतना एंग्जाइटी होगा ही नहीं, तो होपलेसनेस ही रहेगा। मगर जहाँ पे एंग्जाइटी की कार्ड आ रहा है, जहाँ पे एक रात में नहीं सोने वाला कार्ड आ रहा है, तो मन की अंदर का कोई गट फीलिंग या अंदर का जो इनर सेल्फ है वो बोल रहे नहीं भाई आगे जाओ, आगे जाओ, बाहर जो भी हो वो वाला एनर्जी में है, इनके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, मगर अल्टीमेटली वो अगर फ्यूचर चॉइस करना चाहते हैं या चाह रहा है इमीडिएटली, आपको ही चाह रहा है, आपके लिए वो आ रहा है, वो अभी का एनर्जी में है, थोड़ा सा सोच समझ के चलो, ये वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। जो लोग रोज स्क्वायर्स पिरामिड पसंद किए है पाइल वन, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है थोड़ा सा सोच समझ के करो, इतना हड़ी बड़ी मत करो, ये वाला एनर्जी है। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके लिए बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, सब है, बट इनकी एंग्जाइटी एंड सिचुएशन इनकी बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इतना हड़बड़ी ठीक नहीं है। बहुत लोग हैं विदेश में भी रह सकते हैं, या विदेश से रिलेटेड कुछ, फॉरेन से रिलेटेड काम करते, या दूर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, रात में थोड़ा सा स्लीपिंग डिसऑर्डर बार बार बोल रही हूँ, एंग्जाइटी के कारण एंड वर्क के कारण दोनों ही दिख रहा है, दोनों ही है बहुत लोगों के लिए, बाकी लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज है, ऑप्शंस है, फिर भी आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, आपके लिए भी करो या ना करो, करो या ना करो, आगे जाओ या ना जाओ, इसीलिए इनके अंदर इतना एंग्जाइटी एंड तकलीफ है, समझ में, ये वाला एनर्जी इनके लिए काफी दिख रहा है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक तो है ये ऑफर कर रहा है, ऑफर करने आ रहा है आपके साथ, मैरिज एनर्जी चाहते हैं, रियूनियन एनर्जी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मगर इनके लिए थोड़ा सा वेट वाला एनर्जी भी दिख रहा है, इमीडिएट एनर्जी भी, थोड़ा सा हो सकता है आप दोनों में झगड़ा हुआ है या
कभी कभी होता है, सिचुएशन भी ऐसा है, ये वाला एनर्जी पाइल वन के लिए दिख रहा है। अदरवाइज ये चुपचाप जो चुप हो गए, अचानक चुप हो जाना, उसमें भी आप दुखी हुए हो, वो जानते हैं, जिस चीज के लिए भी हो तकलीफ में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जी आते हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सेक्रल चक्रा इनका एक्टिवेशन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इमोशनल जो प्लेस ब्लॉक था वहां पे काफी ये धीरे 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 इमोशन को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना आने वाले है। मैं बोली हूँ ना, सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फीलिंग इमीडिएटली आपके लिए उनकी है, आपको भी शायद हो सकता है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, जहां पे एक होपलेसनेस वहां पे एक एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, वो कहीं ना कहीं से ये चेंज नेक्स्ट एक्शन में यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, कहीं ना कहीं से 100% आप दोनों की जिंदगी में कोई एबंडेंस आने वाला है। जो इतना दिन का वेट कार्ड में बहुत दिख रहा है, हो सकता है बहुत वेट, बहुत सेक्रीफाइस आपकी तरफ से भी, थक चुके थे आप, नहीं चाहिए और क्या, फिर भी दिल मानता नहीं था, इतना कुछ सोचने के बाद भी दौड़ के उनकी तरफ ही चले जाते थे। आपको भी एंग्जाइटी होता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन में ये चीज बहुत अच्छा से दिख रहा है। देखिए 3 की मल्टीप्लिकेशन में आंसर आया है, कार्ड आया है 3 24 भी है, 36 भी है, 3 24 36, साथ ही साथ 3 4 + 2 6 एंड 3 + 6 9 369। कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ साइकिल चेंज होने वाला है एंड पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। पाइल वन जिन लोगों ने पसंद किए हैं उनकी जिंदगी में, ठीक है। सो इस टाइम में नेगेटिविटी से दूर रहिए, कंफ्यूज्ड मत रखिए, क्योंकि आप उनका एग्जैक्ट मिरर हो। कहीं ना कहीं आप दोनों में एनर्जेटिकल कनेक्शन है, मिररिंग भी तो होता है। तो पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर नजर दीजिए, सेल्फ लव में रहिए। जहां पे एंग्जाइटी फील हो रहा है वहां पे अच्छे से पानी पीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, नेचर के साथ रहिए, ठीक है। योगा कीजिए, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया जानते हैं क्रिया कीजिए, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट एंड जल्दी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। डिवाइन टाइमिंग तो है, फिर भी इंप्रूवमेंट, ब्लॉक एनर्जी आप क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था पाइल वन के लिए कार्ड। देखते हैं पाइल वन के लिए बाबा की संदेश क्या है, बाबा क्या बोलना चाहते हैं पाइल वन को। बहुत दिन पाइल में नहीं दी थी ना, तो सबका रिक्वेस्ट था, चलो फाइल में दे देते हैं। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, फाइल वन, भरोसा, धैर्य रखो, धीरज रखो, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, वेट कीजिए, आपके लिए कोई गुड न्यूज ही आने वाले हैं फाइल वन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं पाइल टू। पाइल वन समझ में आया, वैसे तो नॉर्मल रीडिंग है, अच्छा रीडिंग है, गुड एनर्जी है, इमीडिएट एनर्जी आपके पर्सन की बहुत अच्छा है, मैं नहीं बोल सकती। एंग्जाइटी है, टेंशन है, कर्मा क्लियरेंस की जर्नी तो सबका है ना, तो जहां पे भी है डोंट इंटरफेयर इन हीज और हर कर्मा, करने दीजिए, खुद को बैलेंस रखिए, ठीक है। फिर देखते हैं पाइल टू, जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्लैक टर्मुलाइन पसंद किए थे, वाओ, द ब्लैक टर्मुलाइन नेगेटिव एनर्जी से दूर करता है। मालूम है सबसे बड़ा साइकिक अटैक इंसान खुद खुद को देते हैं, ये कर दिया ब्लैक मैजिक, वो कर दिया ब्लैक मैजिक, वो नजर डाल दिया। आपकी ऑरा क्यों स्ट्रांग नहीं है भाई, आपकी ऑरा स्ट्रांग कीजिए। ब्लैक टर्मुलाइन यहाँ पे बहुत अच्छा से काम करता है, ब्लैक टर्मुलाइन, ब्लैक एगेट अकॉर्डिंग टू योर जो टाइगर रहा, ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, ब्रेसलेट के रूप में, पिरामिड के रूप में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल टू, जिन लोगों ने ब्लैक टर्मुलाइन पसंद किए थे उन लोगों के लिए आपकी पर्सन की कारण फीलिंग क्या है, क्या सोच रहा आपकी पर्सन आपके लिए। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन का सोच आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन हेल्प करे आपकी पर्सन की सोच आपके लिए पाइल टू क्या है। सॉरी, फर्स्ट कार्ड 8 of cups, इनका भी डिप्रेशन है कोई कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नेक्स्ट पाइल टू द टावर, नेक्स्ट टेम्परेंस, नेक्स्ट पाइल टू 4 of pentacles,
द स्टार। पाइल टू तो बहुत अच्छा एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स अगेन। चलिए देखते हैं कि क्या है। साथ ही साथ आया है नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। पाइल टू, जो जो कार्ड जैसे मुझे गाइडेंस मिलता है ऐसे ही लेती हूँ, जो मेरा इंट्यूशन बोलता है ऐसे ही लेती हूँ। इतना आप बोलोगे पाइल वन में कम कार्ड था, पाइल टू में ज्यादा कार्ड, जैसे ये मुझे कार्ड का आंसर मिल गया, जो मुझे डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल टू। पाइल टू तो अरे बापरे, आपके पर्सन विश लेके बैठे हैं, बहुत विश, बहुत मैनिफेस्टेशन, बट सोसाइटी से डरता है। ये डर को क्रज कुमार है, ये डरने वाला इंसान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा है, अगर है कोई इनके हस्बैंड है, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है किसी से, कार्मिक सिचुएशन है, अगर इनकी मदर है, अगर इनकी सिस्टर है, सोसाइटी है, जो भी है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, बट थर्ड पार्टी मुझे इंसान ही ज्यादा लग रहा है। थर्ड पार्टी इनको काफी कंट्रोल करते हैं, थर्ड पार्टी जो भी है ये डर के चलते हैं, थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है डर इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। सोसाइटी लवर पर्सन, ये पर्सन बहुत ही सोसाइटी को प्यार करना, फैमिली, ये सोसाइटी क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, मेरा मौसी बुआ फूफा चाची पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये सब लेके बहुत सोचते हैं। एंड ये सोचने के लिए कभी कभी इनके अंदर वही होता है एकदम एक व्हाट आई टेम, मतलब ऑलवेज एक सैक्रिफाइसिंग टेंडेंसी, डर वाला टेंडेंसी, क्या करें। मगर ये पर्सन ना, अगर आपके 24x7 आपके दिमाग में ये चल रहा है, तो उनके दिमाग में भी 24x7 आप चल रहे हो, उनके दिमाग में भी 24x7 आप चल रहे हो ऑलवेज। एंड आपको सोशल मीडिया में काफी स्टॉक करते हैं, ये सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं, इधर उधर से खबर रखने का कोशिश करता है, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या क्या सोच रहे हो, कब ऑनलाइन कब ऑफलाइन, या इधर उधर से किसी से खबर लेना, जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे इंसान से भी खबर ले सकते हैं कहां से क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, हाथ पे ऑप्शन है, कंफ्यूज्ड भी है, विश भी है। कंफ्यूज्ड इन द सेंस क्योंकि ये सोसाइटी थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑल ये चीज में कंफ्यूजन है, करूं या ना करूं वाला एनर्जी है, कंफ्यूजन है। थर्ड पार्टी जो भी है वो अगर इम्पोर्टेंट है, आप भी बहुत काफी इम्पोर्टेंट हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहा है, किसको ले ये वाला एनर्जी, बहुत सारा विश लेके बैठे हैं, कंफ्यूज है। यहाँ पे डिसीशन मेकिंग मुझे नहीं दिख रहा है, मगर चाहते हैं तो अगर इनको, मगर एक चीज मुझे दिख रहा है, एट ऑफ कप डिप्रेशन, आफ्टर दैट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो भी होगा थर्ड पार्टी एंड ऑल वॉट एवर, काफी फोकस्ड भी है आपकी तरफ, काफी फोकस्ड भी है, मतलब प्यार के मामले में फोकस्ड है आपके लिए। मगर ये जो स्टकनेस है ना इनके जिंदगी में, द टावर कार्ड आया है, ये टूटने वाला है। एंड टेम्परेंस द बैलेंस, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन चेंज होने वाले है। यू कैन एक्सपेक्ट कि अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, यू कैन एक्सपेक्ट 7-8 days, 7-8 weeks, इसमें आप दोनों का रिलेशनशिप में बेटरमेंट आने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए 7-8 ये मंथ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू, हो सकता है मैरिड है दोनों, जहाँ पे मैरिज कमिटमेंट के लिए आप पूछ रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो 7-8 days में होने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी आप देख सकते हो, एक कमिटमेंट बातचीत पहले हो सकता है, अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो तो बातचीत होना या आप दोनों मिलना, ये सभी पॉसिबल है। सिचुएशन अगर है, ये जनरल रीडिंग है, राइट, तो ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं हो रहा है, तो आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप सोचिए। आपके लिए काफी सोचते हैं, ऑलवेज एक ड्रीमिंग पोजीशन में रहता है, ऑलवेज सोचते हैं आपके बारे में, काफी पॉजिटिव भी है, आपके लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है। स्टार कार्ड आया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड, साथ ही साथ दो दो विश फुलफिलमेंट की कार्ड दिख रहा है, नाइन ऑफ कप्स, स्टार, ठीक है ना।
आपको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, ये वाला एनर्जी है। मैजिशियन काफी मैनिफेस्ट करते हैं, जब मैनिफेस्ट करते हैं, बार बार बोलती हूँ, दोनों की एनर्जी इतना कनेक्टेड होता है, आप क्योंकि आप प्यार करते हो, ये भी आपके लिए कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है, तो ऐसा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत रखिए, एनर्जेटिकल कनेक्शन होगा एंड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्वर्णों में फंसा है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या डिसीजन ले ले आपको पता नहीं, मगर बहुत ज्यादा इल्यूशन लव ये वाला एनर्जी दिख रहा है, बैलेंस हो जाएगा, इनका एनर्जी बेटर है, अच्छा है, बैलेंस हो जाएगा, पैसा से भी काफी प्यार है ये पर्सन की, समझ में आया, पैसा से प्यार है काफी, आप लोगों में अगर हीलिंग हुआ है आप लोगों में बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों में मैं तो बोलूंगी बिल्कुल रिलेशनशिप हीलिंग का दरकार है। ठीक है, और भी जल्दी जल्दी ये चीज ठीक होगा, रिलेशनशिप हीलिंग बहुत दरकार है आप लोगों में। काफी आपके लिए काफी सोच ऑप्शन होते हुए भी है, जस्ट दिमाग को ये करने के लिए, बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें भी बहुत सारा सोच है, ये स्वर्णों में सोच है क्या करना चाहिए क्या नहीं, मगर एक टावर थर्ड पार्टी के साथ एक टावर मोमेंट आने वाला है, जो पाइल टू पसंद किए है, जो ब्लैक टर्मोलाइन पिरामिड पसंद किए है, तो कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है एंड एक हार्मोनियस यूनियन भी आप लोग जाना, एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एनर्जी ओरेकल से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। अटैचमेंट, काफी अटैचमेंट फील होगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है, वो फील कराएंगे भी, ओपन अप, मतलब थोड़ा सा आपके ऐसा नहीं छुप छुप के रहना, वो फील कराएंगे भी कि मैं बहुत अटैच्ड हूँ मेंटली फिजिकली आपके साथ। ठीक है, देन रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस चेंजेस, कुछ तोड़ने की बात, टावर जैसे रिजुविनेशन होता है ऐसा ही, एंजल ऑफ बैलेंस, रिलेशनशिप में एक गजब सा बैलेंस आने वाला है, रिलेशनशिप में एक गजब सा बैलेंस आने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 48, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेज में हो सकता है, अगर 5 और 19 है ये डेट हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, आप दोनों में कमिटमेंट की जगह तैयार हो सकते हैं, एक बेटरमेंट, काफी बेटरमेंट। ठीक है, आप दोनों के पाइल टू का रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये बहुत प्यार करते हैं मुझे। ठीक है, सो साथ ही साथ मैं बोलूंगी नंबर 1, 5 एंड 3, 1, 3, 5 ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 1, 3, 5 देखा और नंबर में, सो एनी हाउ, सो ये सब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आप लोगों की पाइल टू की जर्नी में। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबा की संदेश क्या है पाइल टू के लिए, बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं पाइल टू आप लोगों के लिए। आप लोग बोलते हो ना टिया मैम रीडिंग ही नहीं देते, आज देखिए लंबा रीडिंग कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए, क्या बाबा बोलना चाहते हैं आपको। मौन, मौन की भाषा सीखिए, हजार शब्दों से ज्यादा कारीगर है ये, अच्छा मतलब इस टाइम में थोड़ा सा जो भी हो रहा है, अगर वो कुछ खराब बिहेवियर करे या कोई भी सिचुएशन ऐसा हो, प्लीज मेंटेन साइलेंस, थोड़ा सा चुप रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, चुप रहिए, चुप रहने के लिए शांत होके, ऐसा नहीं मुंह बंद करके, ऐसा नहीं, समझ में, मन मेंटली भी मौन में रहिए, शांत रहिए, मैजिशियन कार्ड आया है। ठीक है, थोड़ा बैलेंस रहिए, देखिए उन वो भी जो मैनिफेस्टेशन करेंगे काफी आपकी तरफ होगा, नहीं चाहते हुए, चाहते तो है मगर एफोर्ट छोड़ के, खुद के लिए सोच के ही हाथ में जो चीज आपको एक्चुअली डिजायर है वो आप डिजर्व करने की जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था पाइल टू के लिए बाबा की संदेश, ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, जो जो सजेशन दी हूँ प्लीज फॉलो करने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, दिल खोल के जो भी दिल में है, जो भी आपका विश है एकदम दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कीजिए, वह विश आपका जो अफर्मेशन है बिल्कुल लिखिए, आपका जो विश है लिखिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, दिन में 3 बार मैं हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए,
और होने के बाद आप लोग इतना सारा ढेर सारा प्यार मुझे भेजते हो ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आती रहे। थैंक यू।